देखिए, हम मनुष्य होकर भी एक ही वजह से, सिर्फ एक वजह से दूसरे प्राणियों पर हावी हो पा रहे हैं, यहां तक कि विशाल प्राणियों पर भी, जो हमसे ज्यादा बड़े, ताकतवर और ज्यादा तेज हैं, ताकत में और क्षमता में। पर हम उन सभी पर हावी हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी टूल्स को इस्तेमाल करने की क्षमता के कारण, है ना। तो टूल्स की ताकत को कम ना समझें। अगर मैं आपसे इस फर्नीचर के इस पेंच को निकालने के लिए कहूं, आप हाथों, उंगलियों और नाखूनों से कोशिश करेंगे, सब टूट जाएगा, खून बह जाएगा, पर पेंच नहीं निकलेगा। अब अगर मैं आपको एक पेचकस दूं जिसका इस्तेमाल करना आपको नहीं आता, तो आप इसे यहां, यहां, इधर उधर लगाएंगे, कोई फायदा नहीं। सिर्फ इसे सही जगह लगाकर सही तरीके से घुमाने से अचानक कुछ नया होगा, है ना। फिलहाल हमारे पास जो सबसे बेहतरीन टूल्स हैं वो हैं हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा। यही हमारे टूल्स हैं। इनका बढ़िया इस्तेमाल करके आप शानदार जीवन जिएंगे। अगर अच्छे से इस्तेमाल ना हुआ तो आपका जीवन बुरा होगा। अगर ये टूल्स आपके खिलाफ हो गए तो आपका जीवन भयंकर होगा। फिलहाल इंसान कौन सी चीज से सबसे ज्यादा दुखी है? बाहर से आपके पास कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आ रही है, आप खुद को ही परेशान कर रहे हैं, है ना, खुद को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक तेज दिमाग मिला है। If we had given you the brains of an earthworm, you would also be very peaceful. अगर केंचुए का दिमाग मिला होता तो आप भी बड़े शांत होते। पर इतनी दिमागी क्षमता विकसित करने में, आपको ऐसा बनाने में लाखों साल लग गए, है ना? मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें, एक कोशिका वाले अमीबा से आपको ऐसा बनाने के लिए कितना काम हुआ है। अब आप इसे झेल रहे हैं। आप असल में अपने दिमाग से ही दुखी हैं, है ना? आपके पास ऐसी बुद्धि है जिसके लिए आपके पास जरूरी टिकाऊ बुनियाद नहीं है, तो ये आपको ही परेशान कर रही है। मदद करने के बजाय ये आपको परेशान कर रही है क्योंकि बुनियाद टिकाऊ नहीं है। तो स्थिर बुनियाद जरूरी है, ये तय है, ताकि आपकी बुद्धि आपकी मदद करे। तो 7 दिनों के ऑनलाइन कार्यक्रम में हम यहां यही कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास उपकरण अच्छे हैं, पर उन्हें पकड़ने वाले हाथ भी अच्छे होने चाहिए। सही तरीके से उपयोग करने पर ही ये जीवन का नया आयाम खोल देते हैं। इनर इंजीनियरिंग प्रक्रिया में शरीर, मन, भावना और ऊर्जा शामिल है। हमें शरीर और ऊर्जा के साथ जो करना है, हमें सीधे ही करना होगा, क्योंकि ये एक तरह का ट्रांसमिशन है, वो शिक्षा नहीं है। पर हम मन और भावनाओं के साथ जो करते हैं, वो एक तरह की शिक्षा है जो आप ऑनलाइन अनुभव कर सकते हैं। ज्यादातर इंसान अगर सोचने और महसूस करने का तरीका बदल दें, आप देखेंगे उनके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आ जाएगा।